केबे कार्यक्षम हेबो कटक शिशु भवन रो नुआ बिल्डिंग शिशु भवन रो नवीकरण कार्य 8 मास हेबो शेष होइतिले सुधा आनुषंगिक व्यवस्था नथिबारु 9 तला विशिष्ट नूतन बिल्डिंग कार्यक्षम होइ परु नहि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आवश्यक डाक्टर स्टाफ नियुक्ति और वैषयिक सहायता भली विभिन्न समस्या कारण बिल्डिंग एपर्यंत रोगी सेवाई उद्घाटित हो पारिना एने बारबाटी कटक विधायक शिशु भवन परिदर्शन करने सहित अधीक्षक और डाक्तर विभिन्न विषय आलोचना कर शिशु भवन रिव्यू आसीचु समस्त सुपरिटेंडेंट एंड सब स्टाफ मानते रिव्यू कलु आगे पुर्ना बिल्डिंग रो जो इंफ्रास्ट्रक्चर विषय भी कथबार्ता कलु कि केते कौन वैकेंसी अच्छी वैकेंसी लिस्ट भी नहीं छी डॉक्टर्स मानकर नर्सिंग स्टाफ मानकर आउ एजेंसी मानकर परफॉर्मेंस ऊपर भी कथा हेलु जो बिहेवियर समस्त केमती भल रहा कंप्लेन आसूँ सेटा भी से एक्शन ने शिशु भवन डिपार्टमेंट मैंने फॉलोअप ठीक कले आउ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट आमर फायर डिपार्टमेंट सब जदि ठीक भाव में रहा ताले आमर शिशु भवन आउ 4-5 मास भितरे आरंभ हो पारिबो केवल सेति के नुहे तुरंत नूतन बिल्डिंग को ओटी स्थानांतरित करबा सह स्कैनिंग एमआरआई सेठारे प्रतिष्ठा करबा को निर्देश देइछंती विधायिका रोगी को प्रति डाक्टर नर्स और कर्मचारी को भल व्यवहार करबा उपरे देइछंती गुरुत्व अन्य पक्षरे फायर सर्टिफिकेट आवश्यक डाक्टर और कर्मचारी अभाव भली किछि समस्या अच्छी बोली स्वीकार करने सह शीघ्र नुआ बिल्डिंग कार्यक्षम करने को विभाग सह जोगाजोग करा शिशु भवन अधीक्षक कहते तेणु बिल्डिंग तो आम या बाकी आनुषंगिक व्यवस्थापी सरकार को आम आगु भी लिखीचु जमीटा भी आम ना ही ना से प्रोसेस अलमोस्ट कम्प्लीट हो गला तेणु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पर आनुषंगिक व्यवस्था कले आम जापर केते दिन आम कहीपर क्या ता भितर बहुत गुट इंटर रिलेटेड जिनस अच्छी कारण सीट ओटी तैयारी हम यू ओटी सिफ्ट हम ओटी सिफ्ट हेल्ले सीटी स्कैन एमआरआई बस भाया सब प्रोग्राम अच्छे तेज किद तले स्वास्थ्य सचिव एवं स्वास्थ्य मंत्री शिशु भवन परिदर्शन करने खुब शीघ्र नूतन बिल्डिंग कार्यक्षम करने प्रतिश्रुति कटकु कैमेरा पर्सन सुब्रत विश्वजित दास रिपोर्ट आरगस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।